कुछ खा लिया जाए, देखा बोतल चेंज हो तो नहीं रहा है रे। अरे हाँ ना, 500 का चेंज। ओ दे फोन पे, फोन पे लगा हुआ है, यहाँ भी फोन पे चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, ठीक है? फिर कबूतर चेंज हो तो नहीं रहा है रे। अरे हाँ ना, 500 का चेंज। ओ दे फोन पे, फोन पे लगा हुआ है, यहाँ भी फोन पे चल रहा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, क्या है कुछ खाने में? बिस्कुट अच्छे। बिस्कुट है और नहीं कुछ भी? पानी है? पानी बोतल है ना, दीजिए ना, एक पानी बोतल दे दीजिए। और अच्छा, चिप्स लेगा? हाँ ले सकते हैं, चिप्स दे दीजिए। लेज, हाँ चिप्स दे दीजिए ना, लेज जो भी है छोटा छोटा एक एक ले लो। हाँ ले लेते हैं, क्योंकि फिर उधर नहीं मिलेगा ना, प्यास लगेगा हम लोगों को। भूख तो लगी रहा बहुत ज्यादा। पानी का बोतल एक ठंडा, अच्छा ठंडा भी मिल जाएगा, दे दीजिए ठंडा दे दीजिए। और बिस्किट का ही लोकल वाला जो बिस्किट होता है ना, लोकल वाला बिस्किट का एक पैकेट ले लो। और एक बिस्किट दे दीजिए ना, ऐसे ही डब्बा वाला आप लोग जो रखते हैं वैसा वाला पैकेट है? नहीं है। टॉप नहीं, क्रीम वाला दीजिए ना, कोई भी अंदर में जो क्रीम रहता है। क्रीम भाई खाएंगे, क्रीम वाला। झरने वाला यही रास्ता है ना? कितना दूर है? नहीं देखे। अच्छा, हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? बोलछी तो बंगाली लिखे सुना था। बंगाली मिला जुला है। अच्छा ऐसा है, अभी वाटरफॉल खोजते हुए जा रहे हैं तो रास्ता में ये इकलौता दुकान है, और इसके बाद कहीं भी दुकान नहीं मिलेगा। और पीछे जो गांव पार किए थे वहां भी दुकान नहीं था, तो यहाँ थोड़ा बहुत स्नैक्स लेते हैं फिर वापस खाने की खोज में निकलेंगे। एक बार थोड़ा झरना का थोड़ा दृश्य मिल जाए, खोज कर लें पहले। जी, जी। अब बात ऐसा है, ये दुकान वाली दीदी भी नहीं देखी है झरना कभी। आप गए ही नहीं दीदी वहाँ? इतना बगल में है, एक आध बार तो घूमने जाना चाहिए था। काम नहीं जाता। जो आप बोल रहे हैं ना कि झरना देखने चाह रहे थे हम लोग, कितना दूर पड़ गए यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं, इधर से रास्ता तो यही है लेकिन ना। अच्छा हाँ, तो यहाँ से एक आध किलोमीटर जैसे ना? नहीं, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर रास्ता। 3 किलोमीटर, हाँ ठीक है, 3 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन हम गए नहीं, गाय गए हैं लेकिन घुसे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है दादा, ठीक ठीक। ये आपका है? हाँ, ये पत्थर कोई पहाड़े वाला पत्थर है? हाँ। इसको तो आप लोग के लिए तो ऐसे ही लेकर के खरीदना पड़ता है? नहीं, ऐसे ही नहीं। बढ़िया मेथड है, पत्थर वाला कारीगर तो अलग ही होता है, जो हाथ वाला पे ऐसा वाला वो अलग हो गया। हाँ, पत्थर वाला कारीगर वाला हो गया ना। नहीं यही लग में जगह था, स्कूल इधर में कहाँ पर है दादा? स्कूल स्कूल छवा लोग स्कूल गए थे वो तो उधर से तो है यार, आगे तरफ है। अच्छा आगे तरफ भी है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हिस्सा कोचा ही बोले थे वो लोग, बच्चे लोग हम लोग को। नहीं हिस्सा कोचा तो बोला, अच्छी तरह ना, जो जो पानी गिरता है झरना वाला, वो वाला जगह का क्या नाम है? वो वाला वो ही बोलते हैं लेकिन ऐसा कोचा नाम। अच्छा, डैम के पहले वाला जो गांव पड़ता है, वो गांव का क्या नाम था? घाटकीडी। अच्छा घाटकीडी, और ये ऐसा कोचा।
करना, पैर नीचे मत रखना ना। ओके ठीक है, मैं रखूंगा ही नहीं। आगे निकल जाएगा मुंह से। अब बीचों बीच आप गाड़ी नहीं जाएगा मित्र, देखो आप बहुत मुश्किल है। 1 किलोमीटर बोला भाई, 1 किलोमीटर पैदल चलेगा। पैर से मत रख, ठीक ठीक ठीक। ऊपर हम गिर रहे थे ना, मेरी फटी पड़ी है भाई, हमको पकड़ कर ठीक है। बस हम गिरे ना, गिराएंगे भी तो आराम से गिराएंगे, ठीक है ठीक, सुला देंगे बस। कादो कादो ना होना चाहिए, कपड़ा चेंज करना पड़ेगा फिर। हम कपड़ा तो लेके आए हैं। नहीं जाएगा गाड़ी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। रुको रुको, उतरना पड़ेगा दोस्त। नहीं कादो मत पैर, रखो कादो मत पैर, घुस जाएगा तुम पूरा। इधर ही गाड़ी छोड़ देते हैं हम लोग, गाड़ी आगे जाए। ढेर की चढ़ रहा था क्या? पीछा ढेर है इससे वाला, तो बहुत अच्छे है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो गाड़ी को छोड़ देते हैं, तब इधर क्या करेंगे? मतलब भाई वालों को पहुंच रहे हैं। हाँ जी, घुस गया, बड़ा चक्का है ना। ये तो यहाँ से आप लोग जाइए, ये वाला सही है ना? ये वाला सही है। हम लोग का छोटा चक्का है ना, आगे तो और क्या है बोल रहा है, छोड़ते हैं डार्लिंग, इसको साइड करो अभी यहाँ। कुछ नहीं ना हो इसको, ठीक कुछ नहीं होगा, तो कम से कम वहाँ से आ जाते हैं ना। हाँ आगे लेके आ जाओ तब। गाड़ी को इधर ही रख दिया, यही छोड़ दिया, यही छोड़ दिया, यही छोड़ दिया। तो वही गांव में ही छोड़ दिया जाता है, वहां से पैदल। आगे मत ले, आगे मत ले, रिटर्न करने में मुश्किल होगा। तो निकल जाएगा लेकिन थोड़ा। हाँ बाबा छोड़ना, छोड़ो तो बोल रहे हैं तुम साला। चला जाए तो मंजिल की ओर चलो, हम लोग को वहाँ वहाँ जाना है। वहाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, वो सफेद सफेद दिख रहा है। हाँ यहाँ झरना दिख रहा है, ठीक है। अभी 800 मीटर जैसा होना चाहिए या 500 मीटर भाई, कम से कम 15 से 18 किलोमीटर हम लोग अंदर आए हैं। 15 किलोमीटर वैसे फिर नहीं आ रहा, थक गए हैं, हट के 74 हो गया हमारा। ठीक है ठीक है, लेकिन पहुंचना है उस मंजिल पे। चलो बस बस आराम से आराम से भाई, गिरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा हम लोग को फिर ना, कपड़ा लेके आए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इधर भी रोड बन जाता पीसीसी वाला, तो मजा आता ना। तो जो हाई स्कूल है ना जी, जो उधर से एक रोड निकल रहा था। हाँ हाँ, तो वो आपके सीधा चौक। यहाँ पानी इतना है ना, पानी यहाँ से भी ओवरफ्लो हो रहा है, चलाने की जरूरत नहीं, पानी हमेशा ऐसे गिरते ही रहता है। दिख रहा है अभी झरना, वो सामने व्हाइट व्हाइट लाइन।
लंबा चलने होता है। गाड़ी घुसाते हैं यहाँ से, घुसा देता हूँ पैर पर से इनका स्लिप नहीं होना चाहिए। लंबा चलने के कारण थोड़ा सा मनोज दा, पूरा नाम मनोज लायक, मनोज मनोज लायक सिपर की नागपुरी। बाबा लेकिन अभी भी हम लोग है उड़ा, लेकिन बाबा लोग जिंदाबाद करता है, हम बात नहीं कर पहुंचे 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 तेरा स्लिप करेगा लड़का। यार छोटा सा ही दिख रहा है, लेकिन बड़ा वाला वाटरफॉल के लिए और थोड़ा ऊपर ऐसे क्लाइम करना पड़ता है। चलो बस कैमरा बता के और तो साला हेलमेट भी है, बैग भी है, कैमरा भी है, क्या क्या संभाले भैया। अरे छोड़ो पैर बचा के, बस ना स्लिप नहीं होना है, नहीं तो तेरा पहले से टूटा हुआ है, दूसरा पैर भी टूटेगा। अरे बाबा इतना अंदर फिर रही, ओहो मिला 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 मिला, बस वहीं पर ना वही जगह पर पहुँचना हम लोग को। इधर से जाए कि इधर से जाए देख लेते हैं, नहीं इधर से जाना होगा, यहाँ जगह नहीं है, ये पूरा पहाड़ों वाला बकरी जैसे लटक के जाना पड़ेगा। इधर से चलो, इधर से हाँ बैठा होगा, यहाँ से कैसे बनेगा यहाँ लेकिन
दोनों हाथ फ्री रहता ना थोड़ा उल्टा आ रहा है, तुम फेस उधर रहना चाहिए, फेस उधर करेंगे ना तो बैलेंस बनता। अरे गया रे तेरा पावर बैंक, बैंक क्या था उसको उल्टा करिए ना, उसका स्लॉट ना पलट दीजिए। बैग क्यों खुला छोड़ा है? खुला रह गया होगा। चलो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए सर जी। ये भाई हम लोग से डैम के पास मिले थे, ये लोग नहा रहे थे, तो ये लोग ही हम लोग को बताए कि यहाँ पे वाटरफॉल है, जो बहुत जो यहाँ का लोकल से उनको ही ज़्यादा पता है। और तो ये लोग हम लोग को भेज दिए वहाँ से, और इनके दो दोस्त जो आ रहे थे साथ में, इनसे मिलने के लिए आए, तो ये बोल रहे कि दो भाई लोग आए थे उनको वाटरफॉल भेजे, चलो हम लोग भी चलते हैं साथ साथ पीछे पीछे। तब ये लोग हम लोग को रास्ता ही मिले और हम लोग अभी अपन साथ में आ रहे हैं। तो अगर हम दोनों बस आते हम लोग नीचे ही रह जाते हैं, ये मतलब इतना बढ़िया लोकेशन में तो पहुँच नहीं पाते, ये फायदा होगा। तो ये फ़ायदा है कि जब लोकल्स के साथ कहीं जाते हो, उनसे थोड़ा हेल्प लेते हो, बातचीत करते हो, ऐसा हिडन वाला जेम मिलता है जो कभी टूरिस्ट लोग ऐसे खोज ही नहीं पाएंगे खुद से। इसलिए बोलता हूँ कि जब भी ट्रैवल करो, लोगों से, वहाँ के लोकल से कन्वर्सेशन करो जितना ज़्यादा हो सके। हम लोगों का घर वापसी हो रहा है, वाटरफॉल से नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरना थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। बैठ जाओ, बैठो, हाँ थोड़ा घसड़ा लो उसी में। यस, ये डाली को पकड़ो, हाँ वो नीचे वाला पैर रखो। यस,
इनका नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को भी ये लोकेशन पे घूमना है जो कि टूरिस्ट लोग के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो भाई गाइड करेंगे कौन सा रास्ता किधर जाता है, इनका नंबर डालेंगे, इनको कॉल करिए। ठीक ठीक है ठीक। तो अभी हम लोग वाटरफॉल से लौट रहे हैं और ये लोकेशन में रुके हैं, तो बताइए भाई हम लोग किधर से आ रहे हैं। पहले जो हम लोग डैम का राइट साइड से होते हुए गए थे, हाँ, जो राका गांव पड़ता है, हाँ, और अभी जस्ट इधर सीधे पड़ता है ऐसा, हाँ, कुछ होते हुए, अच्छा, ये दूसरे साइड से होते हुए हम लोग सीधे वहीं डैम निकलेंगे। हाँ, तो डैम का मतलब पूरा एक चक्कर, हाँ, गोल चक्कर हो गया ना, ये कर रहे हैं। इधर से तो नजदीक लगा, उधर वाला थोड़ा दूर था ना, उधर वाला रोड थोड़ा सा सही है, इसीलिए आप लोगों को उधर से पहले ये किया था। अच्छा, हाँ हाँ, इधर कच्चा रास्ता है, इधर तो गांव गांव घुसना रहता तो थोड़ा मुश्किल ही होता खोजने में ना, कार के लिए बढ़िया है उधर से आएगा तो। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी यहाँ थोड़ा देर रुकते हैं, थोड़ा ठंडाते हैं। बस एक ही चीज का कमी लगा कि यहाँ पर अगर आ रहे हैं कोई भी, जैसे हम लोग भी आए तो हम लोग को खाना लेकर के आना चाहिए था, कैरी करना। हाँ, करेक्ट, खाना पानी दोनों चीज। यहाँ पे खाना और पीने का कोई व्यवस्था नहीं, नहीं है, दुकान भी। तो यहाँ पे घूमने आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि तुम लोग अपना पूरा पैक वैक करके आओ। यहाँ दुकानदारी एकदम छोटा मोटा दुकान है, लेकिन ऐसे कुछ पेट भरने वाला खाने का नहीं मिलेगा, स्नैक्स मिल जाएगा लेकिन ऐसे लंच डिनर जैसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो पिकनिक मनाने आ रहे हो, पहले से पूरा बोरा बसरा पैक करके आइए। पिछले तीन दिन से बारिश हुआ, उसके चलते ये पूरा हम लोग का भरा हुआ है। अच्छा, तो ये पिकनिक स्पॉट के लिए एकदम पूरा खाली मैदान मिल जाएगा, पूरा पूरा पानी सूख जाएगा, पूरा पानी भर जाता है उधर, तो इस बार नहीं लगता, चांस थोड़ा कम है कि जनवरी। ये तो कुछ ज्यादा ही पानी हो गया ना, इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि जनवरी में ये पूरा खाली नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी इस बार थोड़ा ज्यादा ही भर गया है। मतलब बोल रहे हैं जैसे ऐसा घास है तो एकदम सिमिलर इधर भी, पूरा इससे अच्छा घास रहता है इधर, क्योंकि पानी में डूबा हुआ रहता है, अब जब पानी घट जाता है तो इसमें और अच्छा से घास पूरा निकलता है। आप लोग का ग्राउंड यही है ना? हाँ, क्रिकेट फुटबॉल सब यही चलता है। हाँ, कभी भी आते हैं हम लोग यहीं पे बैठते हैं। उधर भी यहाँ पर अभी हमको मन कर रहा है तो यहाँ पर वो लगा ले, छोटा वाला चेयर लगा कर बैठ जाए, बंसी ऐसे फेंके वहाँ पर मस्त में और कुछ खाते रहे मजे में, ठीक है, वो फीलिंग आ रहा है हमको। और उस तरफ जब तुम उस तरफ देखो, दो सारे वो देखो, तुम सीन देखो, ये नजारा तो सुंदर लग रहा है, मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग कहाँ है तो वो यहाँ है। अभी डैम वाला एरिया पहुंच गए, इधर से आए, जब गए थे उस साइड से ऐसे घूम के आए, पूरा एक चक्कर पूरा मार के इधर आए हैं। अभी थोड़ा ये वाले जगह पे चढ़ के देखते हैं ऊपर से नज़ारा कैसा लगता है। इधर एक फुटबॉल ग्राउंड है, चौका चौका चांदिल, चांदिल, हाँ चांदिल जान रहा है ये वाला, और जब फुटबॉल मैच होगा यहाँ से देखने से तो स्वाद ही आ जाएगा, मजा। यहाँ का पूरा
प्रोग्राम ख़त्म है, पूरा एरिया ऐसे दिन भर में कंप्लीट हो गया है, और वो सारा चीज़ ये भाई इन भाई लोग की वजह से हुआ है। वो तो लकीली हम लोग को ये लोग मिल गए, और पूरा वाटरफॉल से लेके हर एक कोना जितना यहाँ का गांव गांव है, पहाड़ नदी नाला सब चीज़ दिखा दी। थैंक यू रहेगा भाई। तो जब भी ये गांव आइए, एक बार इनको थोड़ा कॉन्टैक्ट करिए, इनसे मिलिए, इनको भी अच्छा लगेगा कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस गाँव को देखने के लिए। ठीक है भाई, दोबारा मिलना होगा। जरूर, अभी तो सिस्टम यहाँ का समझ गए, अब तो लेके आना पड़ेगा सब चीज, पैक करके लेकर व्यवस्था इधर अंदर नहीं है ना पूरा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टाटा, बाय 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 बाय।